हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग ने पिछले क्लास में, यानी कि जो सेकंड क्लास था, हम लोग ने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा हुआ था। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो कंप्यूटर के प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। इसके बाद हम लोग जो अगला वीडियो बनाएंगे, यानी अगला जो हम टॉपिक लेंगे आपको पढ़ाने के लिए, वो होगा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में अंतर होता है। टाइप और पार्ट में अंतर क्या है, पहले ये जान लीजिए। देखिए, टाइप का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक सेब है, ठीक है, कोई एक सेब है, अगर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हो गया पार्ट। पार्ट बोले तो भाग हो गया। और यही सेब अगर है, कोई रेड है, कोई आपका जो है ग्रीन है, कोई येलो है, तो ये हो गए आपके टाइप्स हो गए। तो ध्यान दीजिएगा, टाइप्स और पार्ट में ये अंतर होता है। कंप्यूटर सब वही रहेंगे, जितना भी आप टाइप पढ़ेंगे सब के सब कंप्यूटर रहेंगे, बस उसके प्रकार अलग अलग होंगे, ठीक है। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें या कंप्यूटर का वर्गीकरण करें, इसको हम तीन आधार पर बांटेंगे। कितने आधार पर बांटेंगे, तीन आधारों पर। एक हो गया बाय यूज, यानी प्रयोग के आधार पर, बाय साइज आकार के आधार पर, बाय पर्पज उद्देश्य के आधार पर। ये तीन प्रकार के कंप्यूटर हमारे होते हैं। जो पहला दिया गया है वो प्रयोग के आधार पे, तो हम लोग वन बाय वन करके जानेंगे, ठीक है। जो प्रयोग के आधार पे है दोस्तों, वो है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। आप कौन सा कंप्यूटर प्रयोग करते हैं अभी इसी टॉपिक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर होता क्या है? एनालॉग कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर जो हमें, ध्यान दीजिएगा, इसी में हम बोल भी रहे हैं लिख भी रहे हैं, जो हमें सिग्नल के माध्यम से रिजल्ट दे। किसके माध्यम से दे? सिग्नल के माध्यम से। अब आप सोचो कि कौन कौन से ऐसे कंप्यूटर जो हमको सिग्नल के माध्यम से देते हैं, जो रिजल्ट देते हैं। और अक्सर आज के समय भी, आधुनिक समय भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप ये बताइए, बाइक चलाते हैं, बाइक, बाइक में स्पीडोमीटर होता है क्या? स्पीड, जब बाइक चलती है तो आप देखे होंगे, या फ्यूल भी होता होगा, जो फ्यूल होता है ना, तो जो स्पीड होता है, जैसे 10 की स्पीड में, 20 की स्पीड में, 30 की स्पीड में, 50 की स्पीड में, जब भी चलती है, तो उसकी जो सुई है, देखिए ऊपर की तरफ चढ़ती जाती है। जैसे ही आपकी स्पीड कम होती है, वैसी स्पीड क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं बताता कि मैं कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ। एक अनुमानित रहता है कि आपकी गाड़ी जो है 40 के लगभग स्पीड में चल रही है, 50 की स्पीड में लगभग चल रही है। फ्यूल भी जो होता है, यानी तेल, तेल भी देखिए आपका, कोई ये नहीं बताता कि आपके बाइक में 25% ऑयल है, 30% ऑयल है, या 30 जो भी है 50% है, तो नंबर में नहीं बताता। वो किस में बताता है भैया? वो सिग्नल में बताता है। किस में बताता है? सिग्नल बताता है, ठीक है। ये आपका स्पीडोमीटर है, यही आपका सुई रहेगा, ऐसे ऐसे बताता रहता है आपका, ठीक है। ऑयल जो फ्यूल होते हैं आपके बाइक में, वो भी वैसे ही बताते हैं। तो ऐसा कंप्यूटर जो हमें किसके रूप में बताए? सिग्नल के रूप में बताए। जैसे आप बताइए, स्टेबलाइजर घरों में है कि नहीं? स्टेबलाइजर कितने, स्टेबलाइजर जो आता है इसमें लाइट जितनी आती है और कितनी आ रही है, कितनी जा रही है, वो भी हमको देखिए सुई के माध्यम से बताता है। मीटर लगा रहता है, नहीं लगा रहता, वो भी हमको सिग्नल के माध्यम से बताता है। या आप अगर बात करें थर्मामीटर होता है ना, जब हम लोग जैसे मापते हैं लंबाई, बताइए लंबाई में भाई मापते हैं कि नहीं मापते? हम खड़े हो जाते हैं तो एक अनुमानित हम लोग मानते हैं कि 5 फीट लगभग 6 इंच, ऐसा ही ना होता है कोई इसमें डिजिट? आप खड़े हो जाइए किसी पे और तुरंत बता दे कि आपकी लंबाई इतनी है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं। तो ऐसा कंप्यूटर जो हमको डिजिटल के रूप में हमको रिजल्ट दे, सॉरी सिग्नल के रूप में हमको रिजल्ट दे, वो क्या कहलाता है? एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल थर्मामीटर हो गया, या एक साधारण घड़ी भी की बात कर सकते हैं। किसकी बात करेंगे? साधारण
क्या आप लोग के पास है, बोलिए, है ना? अच्छा, घर पे है आपके? आप जहाँ पर होंगे आपके वॉल पर भी घड़ियाँ लगी होंगी, वो भी देखिए सिग्नल के रूप में आपका जाता रहता है, ठीक है ना? और घड़ी भी है, आप देख ही रहे हो, वॉच जो में चलता रहता है ना, सुई की है, सेकंड की है, मिनट की है। अगला जो है कंप्यूटर, वो कौन सा कंप्यूटर है? डिजिटल। जस्ट उसी का उल्टा, डिजिट अगर इसको तोड़ेंगे तो ऐसा कंप्यूटर जो हमको रिजल्ट देता है वो किसके रूप में रिजल्ट देगा भैया? डिजिट के रूप में देगा। और डिजिट डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो जीरो और क्या समझते हैं, वन को ज़्यादा समझते हैं, ठीक है? अब डिजिटल की अगर बात करें तो सीधी सी बात, अब घड़ी का ही उदाहरण ले लीजिए। जब घड़ी का आप घड़ी उड़ी आप लोग जब प्रयोग करते हैं, देखिए आज के समय लोग डिजिटल वॉच यूज कर रहे हैं। कैसा यूज करें उसको बोलते भी हैं आप लोग, कौन सा वॉच भैया? डिजिटल वॉच है। कितना बज रहा आप एग्जैक्ट टाइम बता देते हो। जैसे अगर मैं अपने मोबाइल में अगर देख के बात करूं कि इस टाइम मेरे मोबाइल में 8:49 का समय हो रहा है, कितना समय हो रहा है? 8:49 का समय। अब ये एग्जैक्ट है नहीं एग्जैक्ट है? अब जो सुई वाली घड़ी है आप उसमें एग्जैक्ट नहीं बता सकते, क्या पता चला जब तक वो बता रहे तब तक वो आगे बढ़ जाए, होगा कि नहीं होगा? ये तो हो गया साधारण घड़ी। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, एग्जाम्पल इसका क्या दे सकते हैं? स्मार्ट वॉच दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? अब आप अगर स्पीडोमीटर की बात करें, स्पीड बात करते हैं ना, आज के समय में जो बाइक में देखिए जितनी भी स्पीड से गाड़ी तेज़ी से चल रही है, आपकी जो पहले अब आ रही हैं जो गाड़ियाँ, उसमें देखिए डिजिटल स्पीडोमीटर लगाए जा रहे हैं। जितनी तेज़ी से गाड़ी आगे बढ़ रही है, रुक रही है, सब के सब आपका क्या कर रहा है, बोलिए, सब के सब जो है आपके डिजिट रूप में आ रहा है। किसके रूप में आ रहा है? डिजिट के रूप में। जैसे आप बाइक चलते पल्सर वल्सर की गाड़ी देखिए, और जैसे ये आपके किसकी बात करें, बहुत सारे KTM हैं और जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं सब में आपको डिजिट के रूप में बता रहा है। तो ऐसे कंप्यूटर जो हमको रिजल्ट किसके रूप में दे दे भैया? डिजिट के रूप में दे। किसके रूप में दे? डिजिट। और डिजिट के रूप में जो देगा वो हमारा कौन सा कंप्यूटर कहलाएगा? डिजिटल कंप्यूटर। कोई दिक्कत? अब आप दिमाग में रख सकते हो कोई भी कंप्यूटर हो सकता है ना। जैसे आप और भी एग्जांपल अगर दें तो और भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं क्या, जहाँ पे आपको डिजिट के रूप में मिलता? जैसे स्टेबलाइजर ही मैंने एग्जांपल दिया था। स्टेबलाइजर में आज के भी समय देख लीजिए, या जहाँ पर एसी लगा होगा एसी के बगल में एक स्टेबलाइजर लगा रहता है, उसमें भी देखिए जितनी लाइट आती है जितनी कितनी लाइट जाती है, अब उसमें भी लग गया है, लग गया कि नहीं लग गया? डिजिट वाला जो है। अगला है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? देखिए कहा जाता है और जानते भी हैं कि एनालॉग प्लस डिजिटल, कौन सा भैया? एनालॉग और प्लस डिजिटल, ये जो कंप्यूटर होता है ना दोनों का मिश्रण रूप होता है, यानी कि इसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के दोनों के गुण पाए जाते हैं, यानी कि सिग्नल के रूप में भी पाए जाते हैं और डिजिटल के रूप में भी पाए जाते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। और यानी कि इसमें हमारा क्या हो जाएगा? सिग्नल और प्लस क्या हो जाएगा? डिजिटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिजिटल, ठीक है। और इसका प्रयोग ज़्यादातर आप एक हॉस्पिटल में देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं? हॉस्पिटल में। जैसे हॉस्पिटल में जैसे आप ECG मशीन होता है, क्या होता है? ECG मशीन। ECG मशीन का मतलब ये होता है जब आपकी बहुत ज़्यादा जैसे तबीयत खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, एकदम लास्ट पोजीशन पर रहते, तो बहुत सारे ढेर देखिए आपके पूरे बॉडी पे छोटे छोटे ऐसे इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, लगा करके एक कंप्यूटर में क्या कर दिया जाता है? फीड कर दिया जाता है। फीड करने के बाद आपके देखिए लाइनिंग भी जो है कुछ ऐसी चलेंगी, कुछ उसी में डिजिट क्रू में भी दिखाता है ना। ये जो ज़्यादातर प्रयोग कहाँ होता है इसका? हॉस्पिटल में किया जाता है, ठीक है। तो जैसे क्या हो गया आपका ECG मशीन, फिर से एक बार बता देते क्योंकि ये ज़रूरी है। एनालॉग हमको सिग्नल के रूप में देता है इस तरीके से, ठीक है। और जो डिजिटल होता है वो हमको किसके रूप में देता है? डिजिट के रूप में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चाहे जो भी कह लीजिए, ठीक है। और ये दोनों का मिश्रण रूप होता है। जैसे कोई भी कंप्यूटर हो अगर हमको सिग्नल और प्लस डिजिटल दोनों का अगर हमको बता रहा है तो इसका मतलब कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा? हाइब्रिड कंप्यूटर। क्लियर है इतनी बातें? जैसे आप बताओ, चलिए मेरा क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा
रेलवे स्टेशन पर कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? रेलवे स्टेशन पर, और बताइए जो रेलवे स्टेशन पे होता है, देखिए जल्द वहाँ पर हमको हमेशा जो सिग्नल मिलता है कि ट्रेन आ रही है कि जा रही है, मिलता है कि नहीं मिलता, देखिए वहाँ पे सिग्नल मिलता है हमको, तो वहाँ पे जो कंप्यूटर प्रयोग होता है ना वो भी किसका होता है? एनालॉग। क्यों? क्योंकि अक्सर वहाँ हमें किसके रूप में रिजल्ट मिलता है? सिग्नल के रूप में ना। देखिए फाटक बंद हो जाता तो सिग्नल जल जाता है, सिग्नल दिखाने लगता है भैया फाटक, तो सब चीज़ इसी से होता है ना। अब बात करेंगे बाइस साइज के आधार पर, यानी कि आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर जो कंप्यूटर होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन अगर आपको पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही अच्छे से, ठीक है, ताकि एक बार पढ़िए, बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। बाइस साइज यानी आकार के आधार पर, जो आकार के आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे छोटा जो कंप्यूटर होता है वो कौन सा होता है? माइक्रो कंप्यूटर। मैं आपको तीन चीज़ें बताता हूँ, सारा कंप्यूटर का डिफिनेशन सब बता देंगे, वो क्या है? सबसे पहली बात करें तो साइज, दूसरी बात करें तो स्टोरेज, तीसरी बात करें तो स्पीड। तीन चीज़ याद रखिएगा आप लोग, क्या क्या? साइज, स्टोरेज और स्पीड। अगर साइज की बात करें तो बताइए सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा है? बोलिए मिनी है। उससे बड़ा कौन सा है? मेन फ्रेम है। सबसे बड़ा अगर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। अब यहाँ पर एक लाइन आप जोड़ना चाहें जोड़िए भैया, माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर है। अगर इसकी डिफिनेशन देना है तो आपको देना होगा कि मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा, लेकिन मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से क्या होता है? क्लियर है? और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से बड़ा, लेकिन सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है। अब सुपर कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो सुपर कंप्यूटर आज विश्व का, भारत का ही, पूरे विश्व का सबसे क्या माना जाता है? बड़ा कंप्यूटर माना जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? जैसे आपने साइज बताया है वैसे आप स्टोरेज भी बता सकते हैं। स्टोरेज बोले तो क्या बताइए? क्षमता। क्या होता है? क्षमता। क्षमता जानते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो सबसे क्या होती है? कम होती है। सबसे क्या होती है? कम होती है। और अगर मिनी कंप्यूटर की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा मिनी कंप्यूटर की क्षमता अधिक होती है, लेकिन मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से क्या होती है? कम होती है। क्लियर हो गया? इसी प्रकार आप मेन फ्रेम का बता दीजिए, इसी प्रकार आप इसका बता देंगे, सुपर कंप्यूटर का बता देंगे। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। अब स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या है भैया? सबसे अगर कम स्पीड की बात करें तो किसकी है? माइक्रो कंप्यूटर की, फिर उससे अधिक मिनी कंप्यूटर की, और उससे अधिक मेन फ्रेम, और उससे अधिक सुपर कंप्यूटर। आप उसमें बना के लिखना चाहते लिख सकते हो, ठीक है नहीं? तो इसमें बस याद रखिए कि दो चीज़ें, कि सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है और सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है। इतना कोई दिक्कत? ठीक। अब अगर इसमें बात करें माइक्रो प्रोसेसर की, माइक्रो कंप्यूटर का, इसको जो बनाया गया था वो लगभग कब बनाया गया था? 1970 ईस्वी बनाया गया। कब बनाया गया भैया? 1970 ईस्वी में, ठीक है। और इसका जो प्रयोग होता है आज के समय जो हम लोग के पास लैपटॉप है, क्या क्या है भैया बताइए? लैपटॉप, और क्या है? डेस्कटॉप। क्या हम लोग के पास टैबलेट भी है? अच्छा, मोबाइल भी है कि नहीं है? किसी के पास घर होगा तो किसी के पास यही होगा। तो ये जो मोबाइल है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, जो कंप्यूटर सामान्यतः जो जनरल लोग यूज कर रहे हैं, ये सब कौन से कंप्यूटर में आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। और माइक्रो कंप्यूटर की जो स्थापना की गई, जो बनाया गया जो है, वो कब बनाया गया? 1970। अच्छा, लैपटॉप कब बना था? लैपटॉप कब बना था? यह बना था 1981 में। कब बना था? जी यहीं पे छोटा सा बना के लिख देते हैं, जो लैपटॉप बना था वो 1981 बना था। अच्छा, बनाने वाले किसने थे सबसे पहला लैपटॉप? एडम ऑसबर्न ने। कौन बनाए थे? एडम
ऑसबर्न है ना, ये लैपटॉप 1900 लगभग कब बनाया गया था, 81 बनाया गया था, ठीक है। ये था आपका माइक्रो कंप्यूटर, क्लियर है इतनी बातें। अब इसकी बात करें तो मिनी कंप्यूटर, इसकी बात करेंगे मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर का जो है आपको पता है कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, बड़ा होता है ना, चलिए मिनी कंप्यूटर का जो प्रयोग होता है इसमें इसकी क्या खास बात है, ये माइक्रो कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था, एक प्रोसेसर लगाया गया था, क्या लगाया गया था, एक प्रोसेसर लगाया गया था। लेकिन जब मिनी कंप्यूटर की बात करें तो इसमें एक से क्या लगाया गया, अधिक प्रोसेसर लगाया गया, ठीक है। बस मैंने डिफिनेशन पहले ही बता दिया कि माइक्रो कंप्यूटर क्या, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा, लेकिन मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर क्या होता है, छोटा। और अगर प्रोसेसर की बात करें, ठीक है, प्रोसेसर की बात करें तो इसमें एक ही लगाया गया था, इसमें एक से अधिक लगा दिया गया, ठीक है। बस इसके बारे में इतना ही। अगर इसका प्रयोग बताएं तो इसका प्रयोग बड़े बड़े कंपनियों में प्रयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है, बड़े बड़े कंपनी में, और कंपनी के साथ साथ जैसे इसका रिसर्च में भी प्रयोग किया जाता है। इसमें किसमें प्रयोग किया जाता है, रिसर्च में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, दोनों कंप्यूटर से बड़ा, साइज के आधार पर भी बड़ा, स्टोरेज के मामले में बड़ा, स्पीड के मामले में भी अधिक होता है ना। और मेन फ्रेम कंप्यूटर की खास बात यह है इस कंप्यूटर में अधिक डाटा प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती थी, किसकी प्रयोग होती थी, इसमें जो स्टोरेज होती थी अधिक क्या होता था, डाटा स्टोर भी होता था, ठीक है, अधिक डेटा स्टोर होता था। और इसका ज़्यादातर जो प्रयोग करते थे पहले जो है वो कहाँ प्रयोग होता था, बैंक में, याद रखिएगा कहाँ प्रयोग होता है सर, ज़्यादातर बैंक में, ठीक है, बैंक में होता है। आगे देखिए सुपर कंप्यूटर, जो सबसे मेन टॉपिक है ना, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। अगर हम भारत, अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें, एक होता है विश्व, एक हो गया आपका भारत। अगर विश्व की बात करें तो विश्व का सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो क्या था भैया, क्रेवन था, क्या था, क्रेवन था। अब भारत का अगर कंप्यूटर पहले बात करें तो परम कितना था, 8000 था, ये याद रखिएगा। विश्व का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो क्या था, क्रेवन था। और भारत का सबसे जो है कंप्यूटर है पहला वो परम क्या है, 8000 है, ठीक है, ये याद रखना है। अब अभी वर्तमान में अगर विश्व का सुपर कंप्यूटर बात करें वर्तमान में, तो आपका क्या है, सुमित है, क्या है, सुमित है, ठीक है, ये वर्तमान की बात कर रहे हैं विश्व का। अब अगर भारत की बात करें तो भारत में देखिए परम के बाद बहुत सारे ऐसे सुपर कंप्यूटर आए हैं, लेकिन जो अब हाल ही में जो आए हैं, जैसे आपका आ गया है प्रत्यूष, क्या आ गया है, प्रत्यूष। इसके बाद आपका आया जो है प्रतिशत मिहिर, क्या आया, मिहिर। और आया जो है आपका परम सिद्धि, क्या आया, परम सिद्धि, ठीक है। अब जो है पहले प्रत्यूष था, मिहिर था, परम सिद्धि था, एक और आ गया है, ठीक है, जिसका नाम है ऐरावत, क्या नाम है, हाँ, ये वर्तमान का भारत का क्या है, सुपर कंप्यूटर, क्या भैया, वर्तमान का भारत का सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, भारत में जो भी सुपर कंप्यूटर बनते हैं वो पुणे में बनते हैं, कहाँ बनते हैं, पुणे में, ठीक है ना, भारत में जो सुपर कंप्यूटर बनते हैं कहाँ बनते हैं, पुणे में। बस इतना ही आप सुपर कंप्यूटर के बारे में याद रखिए। अगर करंट की बात करें तो इसको याद रखिएगा, भारत का वर्तमान में जो सुपर कंप्यूटर है ऐरावत, ठीक है। कब बनाया गया था ये, 2022 में था, कब बनाया गया था, 2022 में, ठीक है। आगे बाई पर्पज बोले तो उद्देश्य के आधार पे, किसके आधार पे, उद्देश्य के आधार पे। मतलब जब भी देखिए कोई चीज़ बनाया जाता है कंप्यूटर, तो कोई ना कोई इसका क्या होता है, उद्देश्य। जैसे शुरू में जब कंप्यूटर बनाए गए थे तो किसके आधार बनाए गए थे, कैलकुलेशन के लिए,
यही तो उद्देश्य था कि कंप्यूटर हम बनाए ताकि उसका क्या कर सकें, गणना कर सकें, और गणना करने के साथ साथ उसको स्टोर भी कर सकें, आखिर सक्सेस भी रहा। उद्देश्य का बस इतना मतलब समझिए कि एक जो है जनरल के लिए और एक स्पेशल के। जनरल मतलब जो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर है, कौन सा कंप्यूटर सामान्य, मतलब इसका प्रयोग लगभग लगभग हर जगह में भी किया जा सकता है, जैसे आप बैंकों में, कार्यालयों में, स्कूलों में, ऑफिसों में, हर जगह इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। ठीक है, अगर सौ किसी भी एक बात करें, ये कई काम को कर सकता है। क्या? कई कामों को करने के लिए इसका कंप्यूटर का प्रयोग किया गया, बनाया गया। अगर स्पेशल की बात करें तो नाम से ही आपको पता है, स्पेशल मतलब विशेष, केवल इसका काम बस एक ही होना चाहिए। क्या? एक ही काम होना चाहिए, इसके अलावा और कोई काम न करे। जैसे अगर मैं बात करूं कैलकुलेटर, बताइए कैलकुलेटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? काउंटिंग वाउंटिंग करने के लिए, जोड़ घटाना बूढ़ा भाग, उसमें जितनी भी चीज़ें आती हैं सब काउंटिंग के लिए होता है। तो उसका काम बस कैलकुलेशन ही है। अगर उसमें मैं कहूँ कि एक मेरा सब कोचिंग का बैनर बना दो, बना देंगे? नहीं, यानी वो किस में आ जाएंगे? स्पेशल में आ जाएंगे, जो जो कैलकुलेशन भी कर रहा है, जो आपके जो है डिजाइनिंग भी कर रहे हैं, एडिटिंग भी कर रहे हैं, आप सारा काम कागजात जितने हैं, पत्र हैं वगैरह वगैरह, जितने भी काम हो रहे हैं सब जनरल वाले करते हैं। अगर स्पेशल की बात करें तो केवल एक काम, जैसे अगर कोई कंप्यूटर बनाया गया है केवल मौसम की जानकारी के लिए ही बनाया गया है, तो कैसा कंप्यूटर हो जाएगा? स्पेशल कंप्यूटर हो जाएगा। ऐसा कंप्यूटर केवल जो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए ही बनाया गया है, तो स्पेशल कंप्यूटर। समझ गए? नहीं, केवल एक ही काम के लिए बनाया गया हो तो स्पेशल, और जो सभी कामों के लिए बनाया गया हो वो जनरल कंप्यूटर। ठीक है, तो आज का ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। आप लोग एक बार फिर से, जो अगर वीडियो में देर से जुड़े तो एक बार फिर से देख लीजिएगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो सबसे पहले प्रयोग के आधार पे, साइज के आधार पे और पर्पज के आधार पे। प्रयोग यानी आकार के आधार पे, यानी उद्देश्य के आधार पे। अगर आकार के प्रयोग के आधार पे बात करें तो तीन प्रकार से कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से। एक ऐसा कंप्यूटर जो हमको सिग्नल के माध्यम से रिजल्ट मिलता है, एक ऐसा कंप्यूटर जो हमको डिजिट के माध्यम से रिजल्ट मिलता है, एक ऐसा कंप्यूटर जो हमको सिग्नल और प्लस डिजिटल दोनों के माध्यम से हमको रिजल्ट मिलता है, आपकी ये हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। अगर पहले का अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे साधारण घड़ी आपने भी पहना होगा, नहीं पहना होगा तो आप पीछे हैं। क्यों? क्योंकि अब डिजिटल वॉच का ज़माना आ गया है ना, सब लोग उसी में काम कर रहे हैं। कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो ये साधारण घड़ी है जो सुई वाला चलता है, बाकी थर्मामीटर है ना, थर्मामीटर तापमान मापने के लिए होता है। आप लोग देखिए अपना लंबाई उम्बाई भी मापने के लिए इसका प्रयोग किया, यानी कह सकते हैं भौतिक राशियों के मापन के लिए एनालॉग कंप्यूटर का भी प्रयोग। बाकी चीज़ें हैं जो हाइब्रिड है, दोनों का मिश्रण होता है, जैसे ईसीजी मशीन होता है, जैसे आपके हॉस्पिटल में भी प्रयोग किए जाते हैं ना, जैसे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाता है तो खूब टूट फूट जाता है, खूब देखो पाइप साइप लगता है, लगता नहीं लगता कभी, यहाँ वहाँ बहुत सारा लगता है नहीं लगता। आगे साइज के आधार की बात करें तो साइज के आधार पर चार प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर। सबसे छोटा माइक्रो, सबसे बड़ा सुपर। इन दोनों बीच की बात करेंगे तो बता देना यार, मिनी कंप्यूटर माइक्रो से बड़ा और ये सबसे क्या होता है? छोटा होता है, कोई दिक्कत है? मेनफ्रेम इन दोनों से बड़ा, बाकी इन सबसे छोटा है। जैसे आप साइज देख रहे हैं वैसे स्टोरेज भी देख लेना, वैसे स्पीड भी देख लेना। अगर स्टोरेज की बात करें तो बता देना, मिनी कंप्यूटर माइक्रो से बड़ा यानी क्षमता में अधिक होते हैं, और ये सब क्या होते हैं? इससे कम होते हैं। ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, ये सब बहुत महंगा पड़ता है। आप एक सुपर कंप्यूटर खरीद लो ना, सबसे देखो मस्त रहोगे सुपर कंप्यूटर चलाने में, है ना? ये सब महंगे महंगे होते हैं। ठीक है, आगे और बात करेंगे पर्पज के आधार पर, तो जनरल और दूसरा हो गया स्पेशल, यानी सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। इसको बोलते हैं विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। सामान्य मतलब सब कामों के लिए किए जाते हैं, और विशिष्ट मतलब केवल एक के लिए किए जाते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अच्छा लगे तो करिएगा। अब बाकी चीज़ें, अगर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये जो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एक सीरीज अगर एक तरफ से आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये सीरीज के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपका नोट्स भी बनता चला जाएगा, और आपका जो है डाउट भी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। जो भी दिक्कत रहेंगी मुझे कमेंट बताइए, मैं इसका सोल्यूशन आपको मे भी तुरंत दे सकता हूँ। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। जय जय भारत।